नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। लखीमपुर खीरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी सरकार में गुंडा राज भाई राज रहा, अपनी सत्ता का उपयोग विशेष धर्म के लिए किया। कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और घंटियां बजा रहे हैं। सपा सरकार में बराबर माफिया राज ही रहा है। भारत के पुत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को तलाक से निजात दिलाते हुए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। पुलवामा हमले का किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, ये सबने देखा है। बीजेपी ने प्रदेश के हित में जो काम किए, जिससे प्रदेश मजबूत हुआ है। तो एक तरफ वो पार्टी है जिसके आने से गुंडा राज, माफिया राज, हर तरीके का भय, आतंक, सत्ता का उपयोग किसी खास जाति और समाज के वर्ग के लिए, सत्ता का उपयोग किसी धर्म के, विशेष धर्म के लिए तुष्टीकरण का जहर घोलने वाली एक वो पार्टी है। और एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कहती है और माफिया राज को जड़ मूल से समाप्त करने की बात करती है, वो भारतीय जनता। वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महोबा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कुलपहाड़ में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो जाएगी। सपा का मतलब होता है माफियाओं, दंगाइयों और अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, बसपा मतलब भ्रष्टाचार और कांग्रेस मतलब तुष्टिकरण। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी साइकिल पहले ही चरण में उड़कर सेफई चली गई है। बुंदेलखंड सहित पूरा उत्तर प्रदेश जो अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहा है, उसके आधार पर 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? समाप्तवादी पार्टी। और यह ताकत मेरे यूपी की जनता के बीच में है। समाजवादी पार्टी माने अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने वाली फैक्ट्री, बसपा माने भ्रष्टाचार, कांग्रेस माने तुष्टीकरण, यह सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे। महोबा की दोनों और बुंदेलखंड की 19 के साथ हम सब लोग उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें फिर जीत रहे हैं। पूरा विश्वास है कि यह मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने वाले श्री अखिलेश यादव जी की, मुझे जो अंदाजा है, मुझे जो फीडबैक है, उसके हिसाब से पहले चरण के चुनाव में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। धन्यवाद। कह रहे कि नई हवा और नई सपा है। देखिए, नई सपा नहीं, जिसके इसकी कोई जांच नहीं हो रही, जी जो नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिसके अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी थे, उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिनमें गुंडे अपराधी माफिया थे, वही गुंडे अपराधी माफिया हैं। इसे जनता ने तय किया है कि हम कमल का बटन दबाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली पाएंगे, साइकिल की बटन दबाएंगे तो एक अतीक अहमद, एक मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को पैदा करने का रास्ता बनाएंगे। इसे कोई नहीं चाहता। चुनाव में तो यूपी में तीसरे चरण का मतदान होना है, दूसरे चरण का मतदान कल हो चुका है। ऐसे में तमाम रैलियां जो है बड़े बड़े चेहरों की बीजेपी के, वो दिखाई दे रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य महोबा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने चरखारी विधानसभा क्षेत्र के कुलपहाड़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा क्या, बसपा क्या, कांग्रेस क्या, सब पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका कहना था कि 10 मार्च के बाद जो समाजवादी पार्टी है वो समाप्तवादी हो जाएगी। उनका कहना है कि सपा का मतलब होता है माफिया, दंगाई और अपराधियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री। वहीं बसपा को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और कहा कि बसपा का मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब तुष्टीकरण, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। मैनपुरी के करहल में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सपा के प्रदेश सचिव नसीम अहमद ने बीजेपी पर जमकर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो बेरोजगारों से नौकरी देने का वादा किया था उसे पूरा नहीं कर पाई और भर्ती के पेपर लीक हो गए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कहा था, किसानों को अपनी उपज का समर्थन न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है।
उन्हें खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। खाद की बोरी में 5 किलो खाद चोरी कर ली जाती है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी सपा पर हमलावर है, तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। नसीम अहमद बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत सारे वादे किए थे 2017 में, लेकिन अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हो पाया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कार में अचानक चलते चलते भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि चंद मिनटों में ही कार आग का गोला बन गई। कार ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान तो बचा ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वहीं मुजफ्फरनगर के गांव ज्ञाना माजरा में शराब के लिए रुपए देने से इनकार करने पर बेटे ने अपने बुजुर्ग और दिव्यांग पिता की डंडे से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला, जहां पर एक बेटे ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपने दिव्यांग पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। जी, आज मेरे फादर के साथ छोटे भाई ने मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। हत्या कैसे की उनकी, क्या कारण था? कारण था पैसे का, पैसा मांग रहा था जबरदस्ती। पहले वो दे चुके थे, अब उनके पास था नहीं, और वो आर्मी रिटायर है। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 को ग्राम ज्ञान माजरा, जो कि थाना चरतावल के अंतर्गत आता है, इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अमरदीप बताया जा रहा है, इसने अपने पिता गुलाब सिंह, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, को पीट पीट कर मार दिया है। इसमें थाना चरतावल ने क्राइम आख्या संख्या 38/2022 में 302 के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें अभियुक्त अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड बीजेपी भले ही अब की बार 60 पार का नारा दे रही हो, लेकिन मतगणना के ठीक बाद पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि मदन कृषि के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मदन ने प्रत्याशियों को हराने का काम किया, इतना ही नहीं उन्होंने गद्दार की भूमिका अदा की है। ये आरोप पार्टी के विधायक और प्रत्याशी संजय गुप्ता के हैं। इसे जानकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद दिख रही बड़ी हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर, कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है, और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर सी झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूँ, उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। मेरे भारत में लोगों को बरगलाना इतना आम क्यों हो गया है? मेरे भारत फेक न्यूज फैलाना इतना आम क्यों हो गया है?
तो ऐसे में जब सच और झूठ के बीच फर्क करना हो जाए मुश्किल, तब भारत एट नाइन में हम बात करेंगे उस परत दर परत की जहां से सच बेनकाब होगा। आज के दौर में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ईमानदार लफ्ज अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। अगर हमारे सवाल समाज में कुछ अच्छा बदलाव ला सकते हैं तो हम झूठ की दीवारों के पीछे खड़े नहीं रह सकते। तो सोमवार से शुक्रवार तक मुलाकात होगी आपसे न्यूज वर्ल्ड इंडिया के स्पेशल न्यूज ब्रॉडकास्ट भारत एट नाइन पर। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ सिर्फ न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। वक्त बदला, सरकारें बदली, चेहरे बदले, मुद्दे बदले, नहीं बदला तो उसका अंदाज। गद्दा सूबे की कमान एक बार फिर से संभाले। कल का मुझे प्रधानमंत्री का मौका, ऐसे इसे मौके से पूरी मौका प्रस्त होने हूँ मैं। जिसके सवाल बने उत्तराखंड की आवाज। 125 ठेके ज्यादा दे दिए, जो ठेका खोलना मेरी मजबूरी। 18 सालों में ऐसी जगह पर जहाँ पे आज तक कभी शराब की दुकानें नहीं खुली, आपने वहाँ पर शराब के ठेके दिए। जगह नहीं, अंदाज वही। आप लोग बताते नहीं, सफेद पोश का नाम लेते हैं, वो सफेद पोश कौन है आप बताते नहीं। हम क्यों बताएं, तुम बताओ, इनको करना चाहिए। आपको इस जान से डर तो नहीं लग रहा? हमें काहे के डर भैया। तो अपने लूटा गैरों में कादम था, मेरी किश्ती डूबी माजा पानी कम था। हरीश रावत के साथ भी यही हुआ। देखिए पूछता है उत्तराखंड तिलक चावला के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून। मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार भारत में अब थमती जा रही है। आज लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामले 50,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 27,409 नए केसेस सामने आए और 347 संक्रमितों की जान गई, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और 346 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 82,000 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, यानी कि 55,000 एक्टिव केस कम हो गए हैं।
मेरठ के घंटाघर स्थित जिला अस्पताल में डायलिसिस में तैनात महिला कर्मचारी से मंचले ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद महिला कर्मचारी ने मंचले को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं इसके बाद अस्पताल परिसर में मंचले की पिटाई से हड़कंप भी मच गया। मंचले की पिटाई के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंचले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। किस दिन मारा था? पुलिस में दे दो, पुलिस में दे दो। अरे बिना मतलब की क्या बात है? मैं भी मारता, मैं चंदौली की चकिया विधानसभा में लगातार घोषित समाजवादी प्रत्याशी के विरोध के बाद अब इलेक्शन कैंडिडेट 2022 समाजवादी के साइट पर चकिया के टिकट को होल्ड कर दिया गया है, जिससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ ना कुछ इसमें नया हो सकता है, क्योंकि अभी मुगलसराय विधानसभा को लेकर पहले ही कशमकश चल रही है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं। चकिया के घोषित प्रत्याशी का टिकट होल्ड होना अपने आप में कुछ अलग ही संकेत दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं लोग अपने अपने तरीकों से जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार में भी जुटे हुए हैं। चुनाव के एन वक्त जब मशहूर गायिका नेहा राठौर का गाना यूपी में काबा वायरल हुआ, तो उनको जमकर ट्रोल किया गया। इससे पहले गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने यूपी में काबा गाना रिलीज किया था। नेहा राठौर के गाने के बाद उनको जमकर ट्रोल किया गया और नेहा राठौर ने भी ताबड़तोड़ जवाब देना शुरू किया। दो चरणों के चुनाव के बाद गोंडा जिले में अलग अलग दलों के नेताओं, विधायकों और प्रत्याशियों से यूपी में काबा पर सवाल किया जा रहा है। किसी ने यूपी में योगी और बीजेपी की सरकार को दोहराना बताया, तो वहीं विपक्ष ने यूपी में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर और गुंडाराज पर करारा जवाब दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में विकास के अलावा सब कुछ है। अपना दल सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने कन्नौज में जनसभा को संबोधित किया। कुर्मी वोटों को साधने आई अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगा। अपने संबोधन में उन्होंने सदर सुरक्षित और तिरवा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की, साथ ही सपा पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह हमेशा प्रदेश की जनता ने एनडीए का साथ दिया है, वो एक बार फिर से एनडीए का साथ देंगे। हमारी एनडीए के प्रत्याशी हैं कन्नौज सदर से श्री असीम अरुण जी और सिरवा से श्री कैलाश राजपूत जी, और यहाँ की जनता से हमने निवेदन किया है कि एनडीए सरकार के पिछले 5 वर्षों में जो विकास कार्य हुए उनको देखते हुए एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने के लिए हमारे दोनों प्रत्याशियों को, कन्नौज सदर से असीम अरुण जी को और सिरवा से माननीय कैलाश राजपूत जी को, जनता आने वाली 20 तारीख को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा देकर विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजे। वहीं संभल में वोट डालने पहुंचे आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव अलीकुर रहमान खान ने कहा है कि मतदान के लिए लंबी कतारें ये बता रही हैं कि जनता बदलाव चाहती है। क्या बीमार और क्या बुजुर्ग सभी मतदान करने कल पहुंच रहे थे। यूपी में इस बार सपा आरएलडी गठबंधन की सरकार बनेगी और जनता को दुर्गति से निजात भी मिलेगी। मेरा यही संदेश है कि जिन लोगों ने मतदान किया है बहुत शुक्रिया उनका, और जो लोग रह गए हैं पूरे प्रदेश भर में और ख़ास तौर से चूँकि इस विधानसभा का मैं निवासी हूँ, संभल विधानसभा, जनपद संभल की संभल विधानसभा, तो मतदान में तेज़ी है और ये मतदान ये साबित करेगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके पूरे बहुमत के साथ राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। अमन और चैन का माहौल होगा, किसानों की सुनी जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो दुर्गत हुई है इन 5 सालों में उससे अब निजात मिल जाएगी। 10 मार्च को ये मतदान का
पूरी तरह से ये मतदान इस बात की गारंटी देता है कि इस बार प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार आएगी। भाजपा जा रही है पूरी तरह से। हाँ ऑफकोर्स, आप भी देखना है लंबी लंबी लाइनों में जो लगा है मतदाता, उसको उत्साह के साथ लगा है, वो सरकार बदलने के लिए लगा है। बरेली में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। बता दें कि मीरगंज विधानसभा के गांव खमरिया गोटिया के ग्रामीण रोड न बनने को लेकर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप था कि 5 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक गांव में रोड नहीं बनी है, उनको कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है और अगर यहाँ पर रोड नहीं बनती तो वो चुनावों का बहिष्कार करेंगे। वहीं औरैया में पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा किया। बता दें कि विधुना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में 19 जनवरी को इंटर कॉलेज के प्रबंधक और उनकी पत्नी के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि लूट का विरोध करने पर पकड़े गए आरोपियों ने गला घोट कर निर्मम हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, वारदात में शामिल 4 बदमाशों में लूट के बाद माल के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में 3 आरोपियों ने अपने ही एक साथी को मारकर पास के खंडहर में फेंक दिया था। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 19-22 को थाना बिदुना के एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि SGS कॉलेज जो थाना बिदुना के अंतर्गत आता है, उनके प्रबंधक श्री गंधर्व सिंह यादव जी एवं उनकी जो वाइफ है उनका मृत अवस्था में उनका शव वहां पर उनके घर में मिला हुआ है। घटना की सूचना उपरांत सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर मौका मुआयना किया गया था। इस घटना के अनावरण हेतु हमारी कई टीमें कई दिनों से लगातार इसमें काम कर रही थी और इसमें हमने सभी फॉरेंसिक साक्ष्य जैसे कि घटनास्थल से थंबप्रिंट उठाना और अन्य फॉरेंसिक एविडेंसेस, वो सब हमने घटनास्थल से उठाए थे और मुखबिर और सभी लोगों को एक्टिवेट किया था। इसमें हमारी जनपद औरैया की स्वाट टीम और थाना बिजनौर की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई, जब इसमें पूछताछ में कई लोगों का नाम सामने आया। इसमें इस घटना में 3 व्यक्ति का नाम इसमें शामिल हुआ था, जिसमें एक का नाम कल्लन, एक का नाम प्रदीप, एक का नाम नीटू उर्फ रोहित भदौरिया है और ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। इन्होंने पूछताछ में बताया था कि ये लोग चोरी छिपे 18 तारीख को कुछ लोग और 19 तारीख को ये लोग चोरी छिपे उस घर में दाखिल हो गए। दाखिल होने के उपरांत इन लोगों ने सही समय का इंतज़ार करते हुए जब दूध वाला दूध देख इनको चला गया, उसके उपरांत इन्होंने ये घटना कारित करी थी। वहीं अमेठी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। इस दौरान जमकर लाठी डंडे बांका और कुल्हाड़ी चले, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मनोज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सिद्धार्थनगर में पैथोलॉजी के नाम पर अवैध एक्सरे अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाए जा रहे हैं। बिना लाइसेंस और सरकारी नियमों के विपरीत धड़ल्ले से यह अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं। मरीजों को गुमराह करके भोले भाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध एक्सरे अल्ट्रासाउंड सेंटरों की भरमार है। बताया भी जा रहा है कि झोलाछाप डॉक्टर मरीजों को बरगलाकर अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर भेज देते हैं और इसमें कमीशन का खेल भी खेला जाता है, साथ ही धन उगाही भी की जाती है। मोहना भैया, लाइफ अल्ट्रासाउंड सेंटर ना जी? हाँ, ये मैटर मेरे संज्ञान में है और पैथोलॉजी की आड़ में एक अल्ट्रासाउंड चल रहा है, ये मेरे संज्ञान में आया था मेरे अंदाज से 1 या 2 फरवरी को, ठीक है। इस पर मैंने एक कमेटी बना दी है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर कोई इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो उस पर जरूर की जाएगी। देखिए, चोरी छुपे अल्ट्रासाउंड चलाना एक तरीके से गुनाह है। सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने सभी ने बिल्कुल मना कर रखा है, इस तरह का कोई भी कारनामा ना किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए, जुर्माना भी बनाया गया, ठीक है। इन सब की जांच की जाएगी। अभी थोड़ा सा हम लोग इलेक्शन के काम में थोड़ा सा बिजी हैं, ठीक है। इलेक्शन जैसे ही समाप्त होगा हम लोग इस मतलब अवैध, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे एक्सरे हो, सब की जाँच करेंगे और नियमानुसार जो भी कार्रवाई उचित होगी जरूर करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।